हेलो एवरीवन, एपिसोड के स्टार्ट में हमें क्रोम को दिखाया जाता है जो लास्ट नाइट के हॉट सेशन के बाद प्योंग के साथ लेटा हुआ था। क्रोम सोचने लगता है, जब हम लोग प्यार करते हैं तो हमारा दिमाग काम करना बंद कर देता है और मेरे साथ भी बिल्कुल ऐसा ही हो रहा था। यह कहते हुए क्रोम जब अपनी आंखें खोल कर देखता है तो यह देखता है कि प्योंग उसके पास गिटार लेकर बैठा हुआ था। क्रोम प्योंग को देख कर मुस्कुराने लगता है। प्योंग सॉन्ग सिंगिंग करने लगता है और वह सिंगिंग करते करते क्रोम के पास आ जाता है। क्रोम प्योंग के नज़दीक आता है और उसे किस करने लगता है और फिर वो दोनों एक दूसरे को पैशनेटली किस करने लगते हैं। क्रोम सोचने लगता है, हो सकता है कि हम दोनों की डेस्टिनी थी जो इस तरीके से हम दोनों एक साथ अपना ब्यूटीफुल मोमेंट बिता रहे हैं। और उस दिन के बाद से हम दोनों ने अपनी डेट को सीक्रेट रखा था, लेकिन सबसे पहले हमें जो काम करना था वो हमारे कॉन्स्पिरेटर से डील करना था। और ये सब सोचते हुए क्रोम अपने फ्रेंड्स को बुद्धा मंदे लेकर आ जाता है और फिर वह उन लोगों से प्रॉमिस करवाता है कि अगर उन लोगों ने उनका सीक्रेट रिवील किया तो उन्हें अपनी जॉब खोनी पड़ेगी। यह सुनकर वो लोग तो काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाते हैं, लेकिन जब क्रोम उन्हें फोर्स करता है तो मजबूरी में उन लोगों को वो प्रॉमिस करना ही पड़ता है। नेक्स्ट सीन में जब क्रोम अपनी मॉम को बताता है कि प्योंग बहुत जल्द वर्ल्ड वाइड फेमस हो जाएगा तो यह सुनकर उसके मॉम तो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है। क्रोम सोचने लगता है, मुझे नहीं पता कि इन्होंने क्या सुना, लेकिन ये सीक्रेट रखने में बहुत ही ज़्यादा अच्छी है क्योंकि इन्होंने इतने महीनों तक छुपा कर रखा कि हमारे पड़ोस में एक सुपरस्टार रहता है। और फिर प्योंग भी अपने पायरियन को बता देता है कि वो क्रोम डेट कर रहे हैं। यह सुनकर वह काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है, लेकिन वो लोग डिसाइड करते हैं कि वो लोग इस बारे में उसके मॉम को नहीं बताएंगे। नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं क्रोम और प्योंग मैडम ओई को भी अपनी डेटिंग के बारे में बता देते हैं। मैडम ओई उन दोनों को डेट करने के लिए अलाउ कर देती है, लेकिन साथ में वह एक कंडीशन भी रखती है कि क्रोम कभी भी प्योंग के साथ दोबारा उसके वर्क प्लेस पर नहीं आएगा और वो लोग प्रॉमिस करेंगे कि वो लोग अपने बारे में किसी और को नहीं बताएंगे और नहीं वो दोनों साथ में बाहर हैंग आउट करने के लिए जाएंगे। यह सब सोचते हुए क्रोम कहता है, सब कुछ बहुत ही स्मूथली चल रहा था, लेकिन मैं एक पर्सन के बारे में तो भूल ही गया था। और यही सब सोचते हुए क्रोम अपने स्टोर आ जाता है जहाँ पर प्योंग उसके पास मैसेज करता है कि तुम इस वक्त कहाँ पर हो। तो क्रोम कहता है, मैं अपने स्टोर पर हूँ। प्योंग कहता है, मैं एक घंटे में अपने काम पर जाने वाला हूँ और मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, मैं तुम्हें हक करना चाहता हूँ और साथ में प्लीज़ तुम कॉन्डम्स भी लेकर आना। तो इस पर क्रोम प्लस करते हुए कहता है, डोंट वरी, मैं लेकर आ जाऊँगा। और यह कहते हुए फिर वह कॉन्डम्स के फ्लेवर को चूज करने लगता है। तभी वहाँ पर कुंगा आ जाती है और वह उससे कहती है, तुम क्या कर रहे हो। तो क्रोम घबराते हुए कहता है, कुछ नहीं, वो बस मैं घर जा रहा हूँ। यह सुनकर कुंग कहते हैं, लेकिन तुम इतनी जल्दी क्यों जा रहे हो। तो इस पर क्रोम कहता है, वो मुझे भूख लगी है। इस पर कुंग कहती है, लेकिन मैंने देखा था तो अभी तो बहुत ही ज़्यादा खाना खा रहे थे। तो इस पर क्रोम कहता है, वो मुझे लग रहा है कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, लगता है कि मैं बीमार हो गया। और यह सब कहते हुए वह वहाँ से चला जाता है, लेकिन कुंग को उस पर शक होता है। तो जैसे ही क्रोम बाहर निकलता है उसके डैड वहाँ पर आ जाते हैं और वह क्रोम से कहते हैं, कुंग ने मुझे बताया कि तुम हमारे स्टोर से कुछ चुरा कर लेकर जा रहे हो। यह सुनकर क्रोम कहता है, लेकिन मैंने तो कुछ भी नहीं चुराया। कुंग कहती है, मैंने अपनी आंखों से देखा है, तुम कुछ तो चुरा कर लेकर जा रहे थे और साथ में तुम काफ़ी घबरा भी रहे थे। यह सुनकर क्रोम चुप हो जाता है, लेकिन फिर वह कहता है, हाँ मैंने लिया है, लेकिन मैं उसका पैसा बाद में पे कर दूंगा। यह सुनकर डैड कहते हैं, तुम क्या लेकर जा रहे हो, प्लीज़ तुम मुझे दिखाओगे। तो फिर क्रोम अपने डैड को दिखाने लगता है, लेकिन वह कुंग को ब्लॉक कर देता है और उसे दिखने नहीं देता। और जब डैड उन कॉन्डम्स को देखते हैं तो वह काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाते हैं। क्रोम सोचने लगता है, ओह शिट, मैंने तो डैड को हमारे बारे में बताया ही नहीं। डैड बार बार उन्हें कॉन्डम्स को देखे जा रहे थे। यह देख कर क्रोम प्लस करने लगता है और वह डैड से भेग लेता है और वहाँ से चला जाता है। डैड को भी काफ़ी अनकम्फर्टेबल फील हो रहा था, तो वह कुंग से कहते हैं कि वह इस टूर का ध्यान रखे। और यह कहते हुए वह अभी वहाँ से निकल जाते हैं। कुंग कहती है, वो लोग कुछ तो मुझसे छुपा रहे हैं। और यह कहते हुए वह स्टोर में आकर चीज़ों को क्लीन करने लगती है और तभी उसकी नज़र वहाँ पर पड़े कंडोम्स पर जाती है जो काफ़ी कम थी। तो कुंग सोचने लगती है कि अभी तो कोई वैलेंटाइन डे आया ही नहीं
और फिर उसे याद आता है कि अभी अभी साइट तक क्रोम वही सब लेकर जा रहा था, तो कहती है वह किसके साथ इन्हें यूज करने वाला था। दूसरी तरफ क्रोम को दिखाते हैं जो अपने घर में काफी नर्वस होकर बैठा था, और तभी वहां पर उसके डैड भी आ जाते हैं। तो क्रोम उस बैग को अपने पीछे छुपाता है और डैड से कहता है, डैड आवाज इतनी जल्दी आ गई। इस पर डैड कहते हैं, वो तुम्हारी मॉम की तबीयत ठीक नहीं थी इसलिए बस मैं उसके लिए फूड लेकर आया हूँ। क्रोम उस फूड को देखते हुए कहते हैं, अब ये फूड मॉम के लिए लेकर आए। डैड उसकी तरफ देखने लगते हैं जो कि एक लिक्विड था, और फिर वह क्रोम से कहते हैं, और तुम्हारा क्या, तुम कहाँ पर जा रहे हो? तो इस पर क्रोम कहता है, मैं तो अपने फ्रेंड से मिलने के लिए जा रहा हूँ। और यह कहते हुए वह उस बैग को छुपाते हुए वहाँ से निकल जाता है। क्रोम के जाने के बाद डैड क्रोम की तरफ ही देखे जा रहे थे, और तभी वहाँ पर मॉम भी आ जाती है और वह उनसे कहती है, आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? तो इस पर डैड कहते हैं, क्रोम भी उनके साथ कॉन्डम्स को इस्तेमाल करने के लिए चुरा कर लेकर गया। तो इस पर मॉम कहती है, वो हमारा बेटा है और वो अब कोई बच्चा नहीं रहा। और यहाँ कहते हुए वह डैड को वहाँ से लेकर चले जाती है। नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं क्रोम फ्यूंग के पास आता है, तो फ्यूंग उसे बताता है कि आज उसका कोई भी इवेंट नहीं है, तो वह आज पूरा दिन उसी के साथ रहने वाला है। यह सुनकर क्रोम तो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है। फ्यूंग क्रोम से कहता है, और वो कहाँ पर है, क्या तुम वो लेकर आए हो? क्रोम यह सुनकर पहले तो पीछे की तरफ देखता है और फिर वह फ्यूंग को वो बैग दे देता है। फ्यूंग जब उस बैग को ओपन करता है और उसमें बहुत सारे कॉन्डम्स को देखता है, तो वह उससे कहता है, तुम इतने सारे लेकर आए हो? तो इस पर क्रोम कहता है, वो मुझे नहीं पता था कि तुम्हें किस टाइप के पसंद है इसलिए मैं सभी टाइप के लेकर आ गया। फ्यूंग यह सुनकर स्माइल करता है और कहता है, अब हमें खोज से चुराना नहीं पड़ेगा। तो इस पर क्रोम भी स्माइल करने लगता है। फ्यूंग जब क्रोम को किस करने जाता है, तभी क्रोम दूसरी तरफ देखने लगता है और कहता है, तुमने कर्टेंस अच्छे से तो लगाए हैं ना? तो इस पर फ्यूंग कहता है, हाँ मैंने अच्छे से लगा दिए। और यह कहते हुए वह फिर से उसे किस करने जाता है, तो क्रोम फिर से पीछे देखने लगता है और कहता है, क्या तुमने डोर अच्छे से लॉक किया? तो इस पर फ्यूंग कहता है, हे तुम किस चीज़ से डर रहे हो? तो इस पर क्रोम कहता है, मुझे डर है कि मेरे डैड मुझे फॉलो करते करते यहाँ आ जाएंगे। यह सुनकर फ्यूंग कहता है, क्या उन्हें भी पता चल गया? तो इस पर क्रोम हाँ कहता है। नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं क्रोम और फ्यूंग क्रोम के डैड के पास आते हैं। क्रोम के डैड फ्यूंग पर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा कर रहे थे। यहाँ देखकर क्रोम तो काफ़ी ज़्यादा घबराने लगता है, लेकिन जैसे ही डैड फ्यूंग के नज़दीक आते हैं वह उससे कहते हैं, तुम एक रियल सुपरस्टार बनने वाले हो। और यह कहते हुए वह काफ़ी खुश होता है, और क्रोम और फ्यूंग ये देखकर काफ़ी ज़्यादा सूख हो जाते हैं। तभी मोम वहाँ पर आते हुए उन दोनों को बताती है, उसने इस बारे में उन्हें बताया है और उन दोनों के सीक्रेट डेटिंग के बारे में भी उन्हें बता दिया है। फ्यूंग सुनकर डैड से कहता है, मैं जो भी कुछ कर रहा हूँ मैं बस इसीलिए नहीं कर रहा कि मैं इसे लेकर सीरियस नहीं हूँ, तो प्लीज़ आप लोग मुझे गलत मत समझिएगा। इस पर डैड कहते हैं, अगर तुम लोगों का प्यार से तुम्हारा करियर बर्बाद नहीं होता तो मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। यह सुनकर वो दोनों काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं। इसके बाद हमें क्रोम की वॉइस ओवर सुनाई जाती है। क्रोम कहता है, और उस दिन के बाद से हम दोनों पर कोई भी प्रेशर नहीं था, हम दोनों अपना क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकते थे, लेकिन बस हम दूसरे कपल्स की तरह बाहर हैंग आउट नहीं कर सकते थे, लेकिन हम लोगों के पास तो घर तो था ही जहाँ पर हम दोनों प्यार से रह सकते थे। और इसके बाद क्रोम और फ्यूंग बहुत ही अच्छे से रहने लगते और उनका प्यार और भी ग्रो करने लगता है। और इसके बाद फ्यूंग भी उस कोरियन कंपनी से डील साइन कर लेता है। डील साइन करने के बाद जब फ्यूंग बाहर निकलता है तो रिपोर्टर्स उससे सवाल करने लगते हैं, जिसका फ्यूंग बहुत ही अच्छे से जवाब देता है। एक रिपोर्टर फ्यूंग से पूछती है, हमने रूमर सुना है कि आप अपने टेम्प्रेरी मैनेजर को डेट कर रहे हैं। तभी मैडम ओ कहती है, वो बस रूमर्स है जबकि इसमें सच्चाई कुछ भी नहीं है। तो फ्यूंग भी फिर मजबूरी में उन लोगों को यह सब कह देता है कि वो डेट नहीं कर रहा। और जब सेंट और मैडम ओई जा रहे थे तो मैडम ओई कहती है, देखो वो लोग उनके रिलेशनशिप को लेकर बात कर रहे हैं। तो इस पर सेंट कहती है, ये बस लोगों की बातें हैं। और तभी वो लोग सीखो देखते हैं जो कि कुछ रिपोर्टर्स के साथ थी। तो मैडम ओई उसके पास आ जाती है और उससे कहती है, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तो इस पर सी कहती है कि वो अपने ट्रेनर्स को मेंटर करने के लिए आई। यह सब सुनकर मैडम ओई सी को टीच करने लगती है। सी को वो सब बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तो मैडम ओई से कहती है, मैंने अभी भी लोगों से सुना कि जब फ्यूंग अपनी डेटिंग के बारे में बात कर रहा था तो
तो वो काफ़ी ज़्यादा अनकंफर्टेबल लग रहा था। मैडम वही कहती है वो लोग बस बकवास कर रहे हैं, बल्कि सत्य है कि वो इस टाइप के क्वेश्चन से बोर हो चुका है और उसने अपने करियर में इतने साल बिताए हैं, तो इस टाइप के टिपिकल इंटरव्यू से उसे किस तरीके से डील करना है वो उसके लिए ज़्यादा मुश्किल नहीं है। तो तुम चिंता मत करो, वो सब तो इससे बुरे लोग बुरी बातें करते ही रहेंगे, और क्या तुम भी उनमें से एक ही हो? सी नर्वसली हंसते हुए कहते हैं, तुम अब भी बिल्कुल नहीं बदले। दूसरी तरफ फ्यूम को दिखाते हैं जो कि कोर के पास आता है, और जब वह कोर की हालत देखता है तो उससे कहता है, तुम काफ़ी ज़्यादा मेज लग रहे हो, क्या तुमने फिर से ड्रिंक किया है? और वैसे क्या तुमने नामसुन से मेकआउट कर लिया? तो इस पर कोर कहता है, तुम उसकी बात मत करो और मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और उसे जब मेरी परवाह है ही नहीं तो मैं उसकी भला परवाह क्यों करूं? फ्यूम कहता है, तो फिर तुम उसे दिखा क्यों नहीं देते कि तुम उससे कितना ज़्यादा प्यार करते हो? यह सुनकर कोर कहता है, ये सब जाकर तुम किसी और से कहना। और तभी वहाँ पर एक ओवर करा जाता है जो फ्यूम को बताता है कि उसे एक रियल किस सीन करना है। यह सुनकर कोर फ्यूम से कहता है, अगर तुमने ये सब किया तो क्रोम तुम्हें मार ही डालेगा। यह सुनकर फ्यूम कोर की तरफ देखने लगता है। दूसरी तरफ कॉन्ग को दिखाते हैं जो कि अपने स्टोर पर वर्क कर रहा था। कॉन्ग कोर से कहती है, क्या आज तुम कहीं डेट पर नहीं जा रहे? तो यह सुनकर कॉन्ग कहता है, तुम्हें कैसे पता कि मैं किसी को डेट कर रहा हूँ? तो इस पर कॉन्ग कहती है, यह सब समझना इतना ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है, क्योंकि उस दिन तुम कॉन्डम्स लेकर गए थे। तो यह सुनकर कॉन्ग कहते हैं, क्या तुम्हें पता चल गया था? तो इस पर कॉन्ग कहती है, हे एक्टिंग करना बंद करो और बताओ मुझे आखिरकार वह पर्सन कौन है, मैं भी उस पर्सन को देखना चाहती हूँ। कॉन्ग कहता है, तुम उस पर्सन को जानती हो और शायद तक तुम उसे काफ़ी लंबे वक्त से जानती हो, तो तुम्हारे लिए केस करना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। और जैसे ही कॉन्ग कुछ बताने ही वाली थी तभी वहाँ पर फ्यूंग आ जाता है। फ्यूंग को देखकर कॉन्ग को काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है। वो लोग कुछ देर तक बात करते हैं और फिर फ्यूंग क्रोम को वहाँ से लेकर चला जाता है, और क्रोम के जाने के बाद वहाँ पर थो आता है और वह कॉन्ग से क्रोम के बारे में पूछता है। तो कॉन्ग कहती है, वह अभी अभी फ्यूंग के साथ गया है। वो लोग कह रहे थे कि उन्हें काम को लेकर कुछ बात करनी है। तो कहता है, क्या फिर से काम को लेकर? और यह कहते हुए वह काफ़ी गुस्सा कर रहा था। कॉन्ग कहती है, तुम इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? क्या तुम जेलस हो रहे हो? तो इस पर थो कहता है, मैं भला जेलस क्यों होऊंगा, मुझे बस गुस्सा आ रहा है क्योंकि उसने मुझे डिनर के लिए इनवाइट किया था, लेकिन अब देखो वह फ्यूंग के साथ चला गया। और यह कहते हुए वह वहाँ से चला जाता है। कॉन्ग को थो की कही हुई बातें थोड़ी अजीब लगती है, लेकिन तभी उसे कॉन्ग की कही हुई बातें याद आती है कि जिस पर्सन को मैं डेट कर रहा हूँ तुम उसे जानती हो। तो कॉन्ग कहती है, तो इसका मतलब थो और क्रोम एक दूसरे को डेट कर रहे हैं? और यह कहते हुए वह काफ़ी ज़्यादा खुश होती है। दूसरी तरफ हमें फ्यूंग को दिखाते हैं जो कि क्रोम को अपने खा लेकर आता है और उसे बताता है कि उसे आज एक रियल किस सीन करना पड़ा था। वह करना नहीं चाहता था लेकिन उसे प्रेशराइज किया गया था, इसीलिए उसे डर था कि अगर उसे इस बारे में पता चलेगा तो वह शायद तक उस पर नाराज हो जाएगा, और इसीलिए उसने डिसाइड किया है कि वह किस सीन उसके साथ करना चाहता है। और यह सब कहते हुए फ्यूंग क्रोम के लिप्स के कॉर्नर के पास किस करता है और उससे कहता है, यह किस सीन मैंने सूट में किया था, लेकिन अब जो मैं किस सीन करने वाला हूँ वो अपने ब्लड वन के साथ करना चाहता हूँ। और यह कहते हुए वह क्रोम के लिप्स पर किस करने लगता है। क्रोम फ्यूंग को दूर करता है और फिर वह उससे सोफे पर पोज कर देता है, और फिर वह उसके ऊपर आते हुए कहता है, लेकिन मुझे तो इससे भी कहीं ज़्यादा चाहिए। और यह कहते हुए वह उसे किस करने लगता है। एंड देन वो दोनों अपनी हॉर्सी नाइट स्पेंड करते हैं। अपने हॉर्स सेशन के बाद फ्यूंग और क्रोम साथ में लेटे हुए थे। फ्यूंग क्रोम से कहता है, तो तुम्हें अब पता चल गया कि उन दोनों में डिफरेंस क्या है? तो इस पर क्रोम हाँ कहता है, और फिर तभी उसके पास फ़ोन में नोटिफिकेशन आता है तो वह चेक करने लगता है। फ्यूंग क्रोम से पूछता है, ये कौन है? तो इस पर क्रोम बताता है कि वह थो है और उसने उसे बाहर जाने के लिए कहा था क्योंकि आने के बाद उसने उसे बिल्कुल भी वक्त नहीं दिया है। तो यह सुनकर फ्यूंग कहता है कि तुम 2 वीक में वापस अमेरिका जाने वाले हो ना? तो इस पर क्रोम कहता है कि हाँ। फ्यूंग कहता है, तो जब तुम यहाँ से चले जाओगी तो मुझसे ब्रेकअप मत करना। यह सुनकर क्रोम फ्यूंग के चेस्ट पर हिट करता है और उससे कहता है, शायद तक ब्रेकअप तो
तुम मुझसे कर लोगे, क्योंकि अब तुम बहुत जल्द अब्रॉड जाने वाले हो ना, तो वहाँ जाकर तुम बहुत सारे लोगों से मिलोगे, तो तुम तो शायद मुझे भूल ही जाओगे। यह सुनकर प्यून कहता है, मैं बहुत सारे लोगों से मिला हूँ, लेकिन जो क्लिक मैंने तुम्हारे साथ महसूस किया है वह किसी और के साथ महसूस नहीं किया। तो इस पर क्रोम पूछता है, तुम्हें मुझ में ऐसा क्या पसंद आया? तो इस पर प्यून कहता है, वो सब मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता, लेकिन जब मैंने तुम्हें देखा तो उसके बाद से मैं तुम्हें प्यार करने लगा। क्रोम कहता है, प्यून हम दोनों के बीच जो कुछ है क्या वो सच में प्यार ही है ना? तो इस पर प्यून कहता है, लेकिन तुम ये सब क्यों पूछ रहे हो? तो इस पर क्रोम कहता है, क्योंकि सब कुछ मेरे लिए बहुत ही जल्दी जल्दी हो रहा है। कभी कभी तो मैं इन सब की वजह से काफ़ी कंफ्यूज हो जाता हूँ कि ये प्यार है या फिर बस मेरा वहम है। तो इस पर प्यून कहता है, हे प्लीज़ तुम इतना मत सोचा करो, और मैंने पहले भी किसी से प्यार किया है तो मैं जानता हूँ कि जो भी मैं तुम्हारे लिए फील करता हूँ वो प्यार ही है। यह सुनकर क्रोम कहता है, क्या क्या तुमने पहले भी किसी और से प्यार किया है? तो यह सुनकर प्यून कहता है, हे क्या तुम जेलस हो रहे हो? तो इस पर क्रोम कहता है, तुम मुझसे बात मत करो। प्यून इंस्पायर करते हुए कहता है, वह मेरा हाई स्कूल वाला प्यार था और अब मेरा प्यार तो तुम हो। यह सुनकर क्रोम कहता है, तो फिर मुझे प्रूव करके दिखाओ। तो यह सुनकर प्यून क्रोम को किस करने लगता है और फिर से उन दोनों के बीच एक और सेशन होता है। नेक्स्ट डे तो और क्रोम साथ में बैठ कर क्लब में ड्रिंक कर रहे थे, तो क्रोम से पूछता है, तुम्हारे और प्यून के बीच सब कुछ कैसा चल रहा है? तो इस पर क्रोम कहता है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, बस हम दोनों अक्सर मिल नहीं पाते। तो इस पर तो कहता है, हाँ क्योंकि वह काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है ना, और शायद इसके बाद वह और भी पॉपुलर बन जाएगा। तो तुम्हें क्या लगता है, क्या तुम दोनों के बीच सब कुछ ठीक रह पाएगा? इस पर क्रोम कहता है, लेकिन तुम ये सब क्यों पूछ रहे हो? तो इस पर तो कहता है, नेचुरली तुम बाहर काम करोगे और उसका शेड्यूल, स्पेशली जब तुम अमेरिका लौट जाओगे तो लगता है कि तुम दोनों के बीच काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाली है। यह सुनकर क्रोम कहता है, मुझे नहीं पता चाहे जो भी हो, लेकिन बस मैं फिलहाल अभी के बारे में सोचना चाहता हूँ। और यह कहते हुए वह फिर से ड्रिंक करने लग जाते हैं, लेकिन क्रोम कुछ देर के बाद काफ़ी ज़्यादा ड्रंक हो जाता है। और तभी वहाँ पर धोखा बॉस आर्ट आ जाता है, तो धो उन दोनों को एक दूसरे से इंट्रोड्यूस करवाता है। आर्ट बस क्रोम की तरफ ही देखे जा रहा था और फिर वह उससे पूछता है कि तुम काम क्या करते हो? तो को लगता है कि आर्ट उसके बारे में पूछ रहा है, तो वह अपने बारे में पता नहीं लगता है। आर्ट कहता है, मैं तुम्हारे फ्रेंड से पूछ रहा हूँ। तो इस पर तो कहता है, ओ ये अमेरिका में काम करता है, अभी इसका वेकेशन चल रहा है, लेकिन ये 2 वीक के बाद यहाँ से चला जाएगा। और इसके बाद आर्ट भी उन लोगों के साथ ड्रिंक करने लगता है, लेकिन आर्ट बस ड्रिंक करते करते क्रोम की तरफ ही देखे जा रहा था। फिर आर्ट तो से कहता है कि वह क्रोम को उसे इंट्रोड्यूस करवाए। तो आर्ट से कहता है कि उसका ऑलरेडी एक बॉयफ्रेंड है। तो इस पर आर्ट कहता है, बस मुझे एक रात के लिए चाहिए। तो यह सुनकर तो क्रोम को जाकर इस बारे में बता देता है। तो क्रोम तो से कहता है कि तुम उसे बता दो कि मेरा ऑलरेडी बॉयफ्रेंड है। तो इस पर तो कहता है, तुम चाहते हो कि मैं उसे जाकर सच बता दूं? तो इस पर क्रोम कहता है, नहीं तुम्हें नहीं बताना चाहिए, वरना मैडम वही मुझे मार ही डालेगी। और बस तुम उससे जाकर कह दो कि मेरा बॉयफ्रेंड बहुत ही ज़्यादा हैंडसम है और साथ में पॉपुलर भी है और काफ़ी क्यूट भी है, और उसका नाम अफान के है। दूसरी तरफ हमें प्यून को दिखाते हैं जो शूटिंग के बाद चेंज कर रहा था, और तभी को एक फ़ोटो देखता है और वह प्यून से कहता है, हे क्या तुमने ये सब देखा? और यह कहते हुए वह प्यून को लाकर वह पिक दिखाता है जहाँ पर आर्ट की क्रोम और धो के साथ पिक थी। प्यून आर्ट को देखकर कहता है, ये तो आर्ट है ना, और इससे तो मैं पहले भी मिल चुका हूँ। तो इस पर गोर कहते हैं, हाँ और यह एक रियल केसन हुआ है, और ये अपने टारगेट को होटल में लेकर जाने से पहले उसे बहुत ही अच्छे तरीके से ड्रिंक कराता है, और ये बहुत ही खतरनाक लड़का है। यह सुनकर प्यून क्रोम को कॉल करता है और फिर उससे पूछता है कि तुम अभी इस वक्त कहाँ पर हो? तो इस पर क्रोम उसे बता देता है कि वह कहाँ पर है। तभी प्यून नोट करता है कि क्रोम काफ़ी ज़्यादा ड्रंक है, तो वह उससे पूछता है, हे क्या तुम ड्रंक हो और तुमने कितने ग्लास ड्रिंक किया है? तो यह सुनकर क्रोम कहता है, मैंने बस 3 ग्लास ही पिए हैं। प्यून क्रोम से कहता है,
तुम ड्रिंक करना बंद करो और घर चले जाओ, क्रोम ओके कहता है। और जैसे ही वह कॉल कट करने वाला था तभी प्यू तो की आवाज़ सुनता है जो क्रोम से कह रहा था कि आर तुम्हारी तरफ देखे जा रहा है। यह सुनकर कौर कहता है देखा मैंने कहा था ना। और यह सब सुनकर प्यू वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ धोको दिखाते हैं जो कि क्रोम को लेकर आ रहा था और वह उससे कहता है कि वह उसके लिए कैब बुला देता है। और तभी वहाँ पर आर्ट आ जाता है और वह तो उससे कहता है उसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं उसे ड्रॉप कर दूंगा। और यह कहते हुए वह क्रोम को उठाने लगता है लेकिन तभी वहाँ पर प्यूंग आ जाता है और वह आर्ट से कहता है डोंट वरी मैं इसे घर लेकर चला जाऊँगा। और यह कहते हुए वह क्रोम को उससे लेता है और फिर वहाँ से लेकर चला जाता है। यह देखकर आर्ट को काफ़ी गुस्सा आता है लेकिन तभी वहाँ पर सी आती है और वह आर्ट से कहती है कि प्यूंग यहाँ पर क्यों आया था। तो इस पर आर्ट कहता है वह यहाँ पर ड्रिंक करने के लिए नहीं बल्कि अपने बॉयफ्रेंड को लेने आया था। यहाँ सुनकर सी एक ईवल वाली हंसी हंसती है। दूसरी तरफ प्यूंग को दिखाते हैं जो कि क्रोम को अपने बैग पर लेकर आता है और वह उसे बेड पर बहुत ही प्यार से चलाकर वहाँ से जाने लगता है। लेकिन तभी क्रोम प्यूंग को पकड़ लेता है और वह उससे कहता है प्लीज़ मेरे साथ ही सो जाऊँ क्योंकि मैं तुम्हें इसी तरीके से हक करके रखना चाहता हूँ क्योंकि जब मैं यहाँ से चला जाऊँगा तब मैं तुम्हें बहुत ही मिस करूँगा। यह सुनकर प्यूंग क्रोम के फोरहेड पर किस करता है और कहता है मैं तुमसे कभी भी अलग नहीं होऊंगा क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। नेक्स्ट मॉर्निंग क्रोम की नींद उसके डोर नॉक से खुलती है और जब वह डोर को ओपन करता है तो वहाँ पर कोर खड़ा था। कोर क्रोम से कहता है तुम मेरे कॉल्स और मैसेज का जवाब क्यों नहीं दे रही थी। तो इस पर क्रोम कहता है वो मैं चावल ले रहा था। तो कोर कहता है प्यूंग को तुम्हारी जरूरत है। और यह कहते हुए वह वहाँ से चला जाता है। क्रोम काफ़ी ज़्यादा शोक हो जाता है तो वह भी क्रोम के साथ उसके घर पे आ जाता है जहाँ पर वह देखता है कि मैडम ओई लास्ट नाइट के इंसिडेंट को लेकर उसे डांट रही थी। यह देख कर क्रोम कोर से पूछता है क्या मेरी वजह से ये प्रॉब्लम में फंस गया। कोर कहता है क्या तुम्हें कुछ भी नहीं पता। और यह कहते हुए वह लास्ट नाइट वाले न्यूज़ दिखाता है जो कि वायरल हो चुकी थी। यह देखकर तो क्रोम काफ़ी ज़्यादा शोक हो जाता है और फिर वह प्यूंग की तरफ देखने लगता है और यहीं पे एपिसोड खत्म हो जाता है। गाइस अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।